अम्मी कहाँ है? वो जाने लगी कभी कभी बैठना बैठ जाना तब तो तब उसको लाइव के अच्छे तो बैठ सर शायद कि अगर आप हमें एक बार भी अपने हिसाब से लेकर जाते तो मसला देखा आप जरा समझ गए इसका मूड ऑफ है और थोड़ा रीमा और आगे आ जाओ एक पर एक और वो अपने हिसाब से पास ही रख लो ताकि ना घर पे जाओ वापस आओ बाहर जा निकल जाओ भाग के जाओ रीमा वैसे अबू अगर आप मैं कम से कम एक बार एक्शन हमने कभी भी ईद या बकरी ईद के मौके पर परहेज नहीं किया तुम जानते हो ना हर एक खुशी के मौके पर हम दोनों ने साथ मिलकर खुशियां मनाई तुमने भी कभी भी होली या दिवाली मिस नहीं कल ऐसा क्या हो गया था कि तुम दोनों आए ही नहीं तुम दोनों ने हमारा फोन भी नहीं उठाया हम दरवाजे पर पूरी रात खड़े होकर देख रहे थे कि शायद ज्यादा
फिर हमें लगा शायद जारा को बाद में एहसास हो जाए और वो दौड़ी चली आए हमें बीच एहसास हो और वो दौड़ी चली आए हमारे पास तो कहे दीपा सॉरी यार हैप्पी दीपा कि नहीं हम गलत थे कल रात भी और कई सालों से क्या हमारे बीच हमारी दोस्ती के बीच हमारे रिश्ते के बीच मजहब आ गया है क्या जात पात धर्म मजहब कौम तुम उसके आईने से हमें देखती हो आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ बचपन से लेकर आज तक हम लोग साथ बड़े हुए हैं अब ऐसा क्या बदल गया है सारा शादी हो गई है कबीर और हमारे सुख तो एक हैं कबीर के लिए हुए फैसले की तस्लीम करनी फिर हम मुझ पर हो गए आपको पता है आज तक अपनी सारी हमने कभी भी उनसे दूरी नहीं रखी आप लोगों से कभी दूरी नहीं रखी आप दोनों आप अंकल आपको पता है सारी जिंदगी हम हिंदू रीति रिवाजों में मानते आए हैं लेकिन उसके बावजूद भी हम मुसलमानों के बीच रहे हमने कभी भी इस्लाम या मुसलमान में कभी भी हमने दूरी नहीं रखी उनसे आप लोगों से कभी दूरी नहीं रखी आपके घर के सुख दुख में हम आप लोगों के साथ थे लेकिन कबीर के दिवाली पे हमारे घर ना आने के फैसले को पेस एनर्जी रेडी सारी जिंदगी हमने हिंदू रीति रिवाजों में मान सॉरी अब जानते हैं हमने अपनी सारी जिंदगी हिंदू धार्मिक रीति रिवाजों में मानने में चलो वापस चलो फटाफट अंकल आप जानते हैं हमने अपनी सारी जिंदगी हिंदू धार्मिक रीति रिवाज माना है लेकिन फिर भी हम मुसलमानों के बीच में रहेंगे इस्लाम मुसलमान इन सबसे कभी दूरी नहीं रखी आप लोग इससे कभी दूरी नहीं रखी आपके सुख दुख में हम आपके साथ थे लेकिन कबीर के हमारे घर दिवाली ना आने के फैसले को हम क्या माने क्या समझे हम इसे कि इस्लाम और उसके मानने वाले कुछ मुसलमान वो लोग हमसे दूरी रखना चाहते हैं आप सब हमसे दूरी रखना चाहते हैं ऐसी बात नहीं अंकल ये गलत हुआ है और ये गलत है आप सबने हमें कभी एहसास नहीं होने दिया कि हम इस घर के सदस्य नहीं हैं हम आपके बेटी नहीं है ऐसे कभी हमें लगा नहीं लेकिन आज कबीर ने हमारे घर दिवाली पर आने से क्यों मना किया पूछिए उससे क्यों कबीर तुम भी तो हमारे दोस्त हो ना हम बताते हैं कबीर और ये जूस पीते और हमारी बात गौर से सुनो हम दिवाली के खिलाफ नहीं हम होली के खिलाफ नहीं और सबसे बड़ी बात रीमा हम तुम्हारे खिलाफ हैं ही नहीं सबसे बड़ा सच जानती हो क्या है कि तुम उन चुनिंदा लोगों में से हो जो हमारे दिल के बहुत करीब है अरे अलीना और तुम्हें हमने आज तक फर्क नहीं देखा सगी बहन है ना सच कह रही आज तक फर्क नहीं देखा इसका मतलब क्या है कि हम तुम्हारे दोस्त हैं और तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े होंगे हर हर गम में शामिल होंगे हर परेशानी में और अभी जो तुमने बात कही हमें दिवाली से परेशानी अगर हमें दिवाली से परेशानी होती तो हम तुम्हें दिवाली की शॉपिंग करने दिवाली की खरीदारी करने हम तुम्हें लेके जाते तुम्हें ऐसा लगता है देखो रीमा जहाँ तक मामला है तुम्हारे दिवाली पार्टी में ना आने का हम तुम्हें एक बात समझाते कि ये बात इसे जाती मत बना ये मुआशरे की बात है तुम्हारे दिवाली पार्टी में समाज के सारे लोग शामिल होंगे
अब तुम्हारे लिए तो हम एक दोस्त के तौर पे पेश आएंगे, सही कह रहे हो, मगर शहर के लोगों के हम क्या होंगे? नायब कासिम, और हमारे ऊपर मुआशरे की जिम्मेदारियां भी है कि नहीं? तो हमारा तुम्हारे पार्टी में ना शामिल होना या शामिल होना दिवाली पार्टी में हमारे कौम के कुछ लोगों को अच्छा लग सकता है, नहीं अच्छा लग सकता है, बस इतनी सी बात है। तो हमने ये फैसला लिया कि हम ना शामिल होंगे तुम्हारी ये पार्टी में, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये बहस का मुद्दा बने, समझिए, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। तुम अपने दोस्तों को छोड़ो और अपनी कॉम को रिप्रेजेंट करो। एक बार याद, तुम्हारी हमारी ज़ारा और इमरान की जो दोस्ती है वो दो कॉमों से बढ़ गई। रीमा ओके एग्जिट प्लीज आ जा रहा है। ठीक है, तुम अपने दोस्तों को छोड़ो और अपनी कॉम को रिप्रेजेंट करो, लेकिन इतना जरूर याद रखना, तुम्हारी हमारी ज़ारा और इमरान की जो दोस्ती है ना वो दो कॉमों से बढ़ गई। रीमा हमारे लिए ऐसी कोई गुस्ताखी नहीं की। देखिए बात सिंपल सी है कि हम दिवाली पार्टी में ना शामिल होने का फैसला लिया हमने, मगर इस फैसले के साथ साथ हमारी बेगम भी जुड़ी है, जो हमारे फैसले की वजह से उन्होंने फैसला लिया कि अगर तुम नहीं जाओगे तो हम भी नहीं जाएंगे। इसलिए जायज़ सी बात है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड जो इतने सालों से उसे दिवाली के त्यौहार पर देख रही है, वो अचानक से देखती है कि हमारी दोस्त आई ही नहीं, तो उसे वो बात बहुत बुरी लगती है। रीमा तो नाराज है पर ज़ारा भी नाराज हो गई है, तो कैसे अब हैंडल करेंगे सिचुएशन? काफ़ी देखिए उसे समझना होगा, सिंपल सी बात है कि ये हम ये नहीं कह रहे कि ज़ारा तुम मत जाओ, हम कह रहे हैं कि हम नहीं आए, हम ना आज तक कोई दिवाली पार्टी में गए, ना दिवाली मनाई और ना मनाएंगे। इसमें बड़ी बात क्या, तुम जाओ, तुमको दिवाली पार्टी मनानी है, तुमको अपने दोस्त के साथ रहना है, हर चीज़ करो, मगर हमें नहीं। पर क्या कारण है ये कि कबीर दिवाली पार्टी नहीं मनाता या नहीं जा रहा है? देखिए सिंपल सी बात है कि अगर हम जाएंगे तो लोग कौम के लोग बहस करना शुरू कर देंगे कि अरे यार ये तो नायब काजी और ये जा रहे हैं, बस ये कंट्रोवर्सी ना हो, इसलिए हमने ये फैसला लिया कि हम पार्टी मनाते हैं। कैसे मनाएंगे जरा? बस कोशिश करेंगे कि उसे समझाएं कि बात क्या है, मुद्दा क्या है, और वो समझ जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू चाचू। ये देखो इतने ढेर सारे पटाखे और फिजड़ियां दीमा आंटी लाई है हमारे लिए, आप फोड़ोगे हमारे साथ? बहुत मजा आएगा। नहीं अम्मा नहीं, काम करो तुम, वो रीमा आंटी के नाम पे ना एक लुक एक्सचेंज, मतलब रीमा आप फोड़ोगे हमारे साथ? नहीं नहीं कट मैं। ये देखो इतने ढेर सारे पटाखे और फुलझड़ियां रीमा आंटी लाई है हमारे लिए, जो कुछ भी हुआ उसके बारे में पता चला। देखो एक बात बताना चाहता हूँ, आज तक हमने भले खुद दिवाली ना मनाई हो मगर हम अपने दोस्तों के घर गए हैं, उनकी खुशियों में शरीक हैं हमेशा,
और हमें लगता है कि तुमने तुम्हें जो किया वो सब आते हैं इस तरह साफ मना नहीं करता किस कदर से तुम उस मामले को हैंडल कर लो ताकि रीमा को नाराज होने का मौका नहीं अबूब सही है एक बार भी आपने अपने दोस्त से कहा नहीं जाते ना तो ये मसला अबूब सच तो ये कि हम बचपन से आज तक कभी दिवाली त्योहार दिवाली पार्टी में नहीं गए हाँ एक बार अगर आप हमें अपने दोस्तों कहने के जाते तो शायद ये मामला नहीं खड़ा होता ज़ारा ज़ारा ओके निकाल दो ना उसे वो निकाल दो ना और बताइए सर खुल गया है वो और नीचे हाँ इतना रख लो ठीक है और थोड़ा नीचे रखो नीचे रखो दादा फिफ्टी है ना इतना कॉम्पैक्ट हो रहा है क्या उसको आगे जाना चाहिए था हाँ एक मिनट सर अभी लेने दिए ना हाँ एक मिनट कब से है भैया नीचे रख नीचे रख थोड़ा और नीचे हम दिवाली के खिलाफ नहीं है हम होली के खिलाफ नहीं और सबसे बड़ी बात हम तुम्हारे खिलाफ कैसे हो सकते हैं अरे तुम तो उन चुनिंदा लोगों में से हो जो तुम्हारे दिल के बहुत करीब है ठीक है तुम हमारी दोस्त हो अरे हम तुम्हारे साथ साथ कदम मिलाकर चढ़े अरे हम तो तुम्हारे साथ साथ कदम मिलाकर चलेंगे रीमा हम तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे तुम्हारी हर खुशी तुम्हारे हर परेशानी हर मुश्किल में हम शामिल होंगे बेशक होंगे और रही बात हमारी दिवाली से परेशान होने की तो बिल्कुल ही अगर हम दिवाली से परेशान होते तो क्या हम तुम्हें दिवाली की शॉपिंग कराने दिवाली की खरीदारी करने नहीं ले हम दिवाली से परेशान हैं एक बात मैं बता अगर हम दिवाली से परेशान होते क्या हम तुम्हें शॉपिंग करने ले जाते दिवाली की शॉपिंग नहीं नहीं ले जाते और ये जो पार्टी का मसला है जो हम तुम्हारी दिवाली पार्टी में क्यों नहीं आए क्योंकि देखो ये जाती मामला नहीं ये एक मुआशरे का मामला है
रीमा, समाज के तमाम लोग तुम्हारे पार्टी में शामिल होंगे, होंगे कि नहीं? और हम जानते कि हम तुम्हारे लिए एक दोस्त के तौर पे पेश आएंगे, सही कहा ना? मगर शहर के सारे लोगों के नायब काजी हैं, हमारे ऊपर मुआशरे की सारी जिम्मेदारियां हैं, तो हमारा तुम्हारे पार्टी में शामिल होना, दिवाली की पार्टी में शामिल होना, हो सकता है कि कुछ कौम के कुछ लोगों को ये बात बुरी लगे, अच्छी ना लगे, तो इसलिए हमने सोचा कि हम तुम्हारी पार्टी में नहीं आएंगे, दिवाली की जो पार्टी है उसमें नहीं आएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये मुद्दा बहस बने। सॉरी सर, बहुत गलत है। अगर बाकी शहर के बाकी जो सॉरी सर, वन सेकंड, एग्जैक्ट लाइन बता। हमारे दिवाली के फंक्शन में शरीक होना, हमारी रही बात तुम्हारे दिवाली पार्टी के, हम क्यों नहीं आए? रीमा, ये जाती मामला नहीं, ये मुआशरे का मामला है, समाज के सारे लोग तुम्हारे ये पार्टी में शामिल होंगे और हम तुम्हारे लिए एक दोस्त के नाते पेश आएंगे, मगर बाकी सारे लोगों के लिए हम नायब काजी हैं, हमारे ऊपर मुआशरे की जिम्मेदारियां हैं, हमारा तुम्हारे पार्टी में ना शामिल होना या शामिल होना हमारे कौम के लोगों को शायद अच्छा लगे या बुरा लगे, हम नहीं जानते, मगर हम नहीं चाहते कि ये बहस का मुद्दा हो, सिर्फ और सिर्फ इसलिए हम तुम्हारी पार्टी में नहीं हैं और कुछ नहीं। Sir, if you don't mind, I'm so sorry. Okay. Yes, lady. Yeah. You're the best friend. Right on, no, Rima. Abhi to maa kuta. Right on, right. Sara, humne kabhi bhi Eid ya Bakri Eid ke mauke par parhez nahi kiya. Tumhari har ek khushi ke mauke par hum dono ne saath milkar khushiyan manayi. Hai na? Tumne bhi kabhi Diwali ya Holi ko miss nahi kiya. कल ऐसा क्या हो गया था सारा कि ना तुम दोनों आए, ना तुम दोनों ने हमारा फोन उठाया, हम पूरी रात दरवाजे के बाहर इंतजार करते रहे कि सारा आएगी, पूरी रात इंतजार करते रहे सारा कि तुम नहीं आए, फिर हमें लगा शायद तुम्हें एहसास हो अपनी गलती का और तुम हमारे पास दौड़ी चली आओ और गले लगा लो हमें और कहो कि सॉरी यार रीमा, हैप्पी दिवाली। सारा, हम गलत थे कल रात भी और कई सालों से, सारा हम दोनों के बीच, हम दोनों के रिश्ते के बीच, दोस्ती के बीच मजहब आ गया है। क्या तुम अब हमें मजहब के आईने से देखती हो? ऐसा क्या हो गया सारा, हम दोनों के बीच में ऐसा क्या बदल गया है, क्या हो गया? बचपन से लेकर आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, क्यों सब कुछ बदल गया? नहीं यार ज़ारा, छोड़, तू मुझे जवाब दे, क्या बदल गया ऐसा? क्यों बदल गया? हमारी शादी हो गई, कबीर और हमारे सुख दुख एक हो गए हैं, और कबीर के फैसले की तस्लीम करना हमारी मजबूरी बन गई। कबीर अंकल, अब रीमा ना हम दिवाली के खिलाफ ना होली के खिलाफ और सबसे बड़ी बात हम तुम्हारे खिलाफ कैसे हो सके? अरे तुम तो चुनिंदा लोगों में से हो जो हमारे दिल की करीब है। तुम्हें पता है तुमने और हमारी बहन अलीना में आज तक हमने कोई फर्क नहीं देखा, वो हमारी सगी बहन है। क्यों? हम तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर हर मोड़ पर हम तुम्हारे साथ रहेंगे, अरे तुम्हारे हर मुश्किल में हर परेशानी में हम होंगे। और रही बात कि हम दिवाली से परेशान हैं, अगर हम दिवाली से परेशान होते क्या हम तुम्हें शॉपिंग कराने ले जाते, वो भी दिवाली की? नहीं ना। अब रही बात कि हम तुम्हारे दिवाली फंक्शन में क्यों नहीं आए, सबसे पहली बात वो जाती मामला, जाती नहीं मुआशरे का मामला, माफ कर हमारा मतलब है कि देखो समाज के तमाम लोग तुम्हारे इस पार्टी में शामिल होते हैं, सही? और हम जानते कि
हम तुम्हारे लिए दोस्त के तौर पेश आए, मगर बाकी सब लोगों के लिए हम नायब काजी हैं और हमारे ऊपर पूरे मुआशरे की जिम्मेदारी। बात अच्छी नहीं लगती, ये बात बहस का मुद्दा ना बने, इसलिए और सिर्फ इसलिए हम तुम्हारी पार्टी में हैं, और कोई बात नहीं। कबीर, तुम ये दोस्ती वोस्ती छोड़ो और अपने कॉम को रिप्रेजेंट, क्योंकि लेकिन इतना कबीर तुम ये दोस्ती वोस्ती छोड़ो वो अभी लेना कबीर थोड़ा राइट में रहो ना। ठीक है कबीर, तुम ये दोस्ती वोस्ती छोड़ो और अपने कॉम को रिप्रेजेंट करो। एक बात जरूर याद रखना, हमारी तुम्हारी, जारा और इमरान की जो दोस्ती है वो दो कौमों से बढ़कर है।